रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा, मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार सरकार में मंत्री रहे सुमित सिंह ने एक बार फिर से नई कैबिनेट में, जो कि नीतीश कुमार की एनडीए के साथ आने के बाद बनी है, जिसने शपथ लिया है उसमें बतौर मंत्री शपथ लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, राजेंद्र मंडपम में जो है राजभवन के अंदर जो है राज्यपाल की तरफ से उनको जो है पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। बता दें कि सुमित सिंह जो है बिहार के जमुई के चकाई से जीत करके आते हैं, इकलौते निर्दलीय विधायक हैं और साल 2020 में जब से नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी है, चाहे वो एनडीए की बनी हो या फिर बाद में महागठबंधन की, और या फिर से अब जिस तरीके से एनडीए के साथ नीतीश कुमार की वापसी हुई है, तीनों दफे जो हैं वो मंत्री बने, किस तरीके से शपथ ले रहे हैं दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों में। से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं सुमित कुमार सिंह सत्य प्रतिष्ठा के प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा, मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुमित कुमार सिंह सत्य प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, जो भी है बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय व्यक्ति ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।